गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर्स पोइम मैसुरिटी द मिस्ट्री कैट। देखिए हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो लेसन था और उसके साथ ही एक जो पोइम है वो उसमें इंक्लूडेड है। इस पोइम का नाम है मैसुरिटी द मिस्ट्री कैट, यानी एक रहस्यमयी बिल्ली। देखिए सबसे पहले जो हमारी जो पोइम है उसके स्टार्टिंग में हम समरी पढ़ते हैं तो उससे हमें नॉलेज हो जाती है कि जो हमारी पोइम है वो किसके रिगार्डिंग है, उसमें उसका सारांश क्या है, ठीक है, उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है। तो देखिए द पोइम इज़ अबाउट ए मिस्ट्री कैट कॉल्ड मैसुरिटी, यानी यह कविता एक रहस्यमयी बिल्ली के बारे में है जिसका नाम क्या है, मैसुरिटी। हिज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट पा, उसे कहा जाता है एक महान पंजाबी, ठीक है। ही इज़ ए मास्टर क्रिमिनल हु कैन ब्रेक एंड डेफे एंड लॉ, ठीक है, यानी वो क्या है, एक महान अपराधी यानी बड़ा अपराधी है, हु कैन ब्रेक एंड डेफे एंड लॉ, जो तोड़ देता है कानून को, ठीक है, उनके नियम और कायदों को, ठीक है। स्कॉटलैंड यार्ड इज हेल्पलेस बिफोर इट एंड फ्लाइंग स्क्वायर फेल्स टू अरेस्ट हिम एज द कैट इन द फास्टर देन। इसका मतलब है कि उसको पकड़ने के लिए जो स्कॉटलैंड यार्ड है, ठीक है, इज हेल्पलेस, यानी वो भी क्या है, परेशान है, ठीक है, या उसे पकड़ने में सफल नहीं है। बिफोर इट एंड फ्लाइंग स्क्वायर, और जो फ्लाइंग स्क्वायर ये क्या होते हैं, जैसे कि गली में जो आवारा कुत्ते, ठीक है, जानवर या जो भी घूमते रहते हैं उन्हें पकड़ने के लिए एक स्क्वायर चलाया जाता है, ठीक है, जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं इसी तरीके से ये भी होते हैं इन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है, पालतू जानवरों को जो गली में घूमते रहते हैं या खतरनाक होते हैं लोगों के लिए, तो ये होता है फ्लाइंग स्क्वायर। फेल्स टू अरेस्ट, यानी ये भी इसे पकड़ने में क्या हो रहा था, नाकाम हो रहा था, सफल नहीं हो रहा था। एज द कैट इज फास्टर देन इट, क्यों, क्योंकि जब ये लोग उन्हें पकड़ने जाते थे तो जो बिल्ली है वो इनसे तेज भागती थी, ठीक है, यानी तो वो दौड़ने में बहुत तेज थी इसलिए वो पकड़ में नहीं आ पा रही थी। एज मैसुरिटी इज मैचलेस इन द फील्ड, ठीक है, एज मैसुरिटी इज मैचलेस इन द फील्ड, इसका मतलब है देखिए कि एज मैसुरिटी इज मैचलेस इन द फील्ड, यानी वो इन लोगों के लिए, ठीक है, उनको असफल करने में बहुत तेज थी, ठीक है। अब देखिए ही कैन डू एनी इम्पॉसिबल टास्क, और वो कर सकती है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, ही कैन डू एनी इम्पॉसिबल टास्क, और वह कर सकता है कोई भी असंभव कार्य। ही कैन डिसअपियर, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जानवर है उसके लिए इट भी आ सकता है लेकिन इसमें वही में ही दिया है, ठीक है, तो ही कैन डिसअपियर यानी वो गायब हो जाते हैं। ब्रेक लॉ ऑफ ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसको भी वो असत्य साबित कर देती है। एंड फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट, और हवा में, ठीक है, हवा में जैसे एरोप्लेन चलता है ना, ठीक है, उसी तरीके से वो हवा में लहराती है एनी सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के। एवन द मैजिशियन एंड द फकीर आर सरप्राइज टू सी हिज फिट्स, ठीक है, और जो देखिए यहाँ पे इवन इवन द मैजिशियन यानी इवन यानी प्रत्येक, ठीक है, दोनों के लिए है, इसके लिए भी इसके लिए भी। फकीर का मतलब क्या होता है, बैगर यानी भीख मांगने वाला, ठीक है। इवन द मैजिशियन यानी जादूगर और फकीर आर सरप्राइज आश्चर्यचकित थे टू सी हिज फिट्स, उसके दौड़ने की स्पीड को देख के। ही कैन आउटविट यू, यानी वो आपको भी क्या कर सकती है, पीछे छोड़ सकती है। थो यू मे लुक फॉर हिम इन द बेसमेंट एंड इन द एयर, कभी आप उसको देखते हो बेसमेंट में और कभी उसको देखते हो आप हवा में लहराते हुए यानी दौड़ते हुए। यू वॉन्ट हैव एनी एक्सेस टू हिम, आपको पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है उसको हराने के लिए या उससे जीतने के लिए। मैसुरिटी इज टॉल एंड थिन विथ सनकन आइस, यानी वो क्या थी, अपनी छिपी हुई आंखों से, और थोड़ा टॉल एंड लंबी एंड पतली, ठीक है, थी वो उसका जो बनावट था। उसके बाद है हिज डेम सेफ हैड हिज लाइन, और उसका जो डेम मतलब वो चिपटा सा जो चेहरा था उस पर लाइनें बनी हुई थी। हिज कोट इज सोइल्ड एंड हेयर इज डिसऑर्डर, और उसके जो कोट यानी जो ऊपर का बनावट थी, ठीक है, एंड हेयर इज इन डिसऑर्डर यानी अच्छे तरीके से नहीं थे, ठीक है, यानी गंदे या मतलब थोड़े उलझे हुए। ही मूव्स लाइक ए स्नेक, और वो चलती थी, ठीक है, कैसे, एक स्नेक की तरह। एंड वैन यू थिंक ही इज स्लीप, और आप सोचते हैं कि जब वो है सो रहा है, ही इज वाइड अवेक यानी तब भी वह जगा हुआ ही रहता है, ठीक है, यानी जब कोई लोग उसे देखते हैं कि वह सो रहा है, ठीक है, या सो रही है, तो उसके पास अगर जाते हैं तो वो बिल्कुल से, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए है वाइड अवेक यानी जगे हुए रहते हैं। मैसुरिटी इज ए डेविल इन कैट शेप, यानी जो मैसुरिटी जो जो बिल्ला है या बिल्ली है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एक, ठीक है, कैट यानी एक जानवर की, ठीक है, एक जानवर के रूप में, मतलब
उसके जो बिल्ली है उसके अंदर, ठीक है, एक शैतान की आत्मा है, ठीक है, इज मोरली करप्ट और पूरी तरह से नैतिक भ्रष्ट है। यू मे मीट हिम इन ओपन लेन और ओपन ग्राउंड, बट यू शैल नॉट फाइंड हिम वेयर द क्राइम हैज़ बी कमिटेड। यानी आप उसे देख सकते हैं इन ओपन लेन, यानी खुली जगह पे, ठीक है, ओपन ग्राउंड यानी जो खुले खेल के मैदान होते हैं या जगह होती हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, बट यू शैल नॉट फाइंड, लेकिन आप उसे खोज नहीं सकते हैं हिम वेयर द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, यानी जहाँ पर कुछ गलत हुआ है या जहाँ पर कुछ अपराध हुआ है वहाँ पे आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक इट एंड नेक्स्ट डे आई विल सेंड यू अबाउट द पोइम। थैंक यू सो मच, हैव ए